मेरा वक्त जाया नहीं करो, बताओ क्या कर रही थी तुम निकोला के साथ? मेरे बाबा, डरो मत, तुम्हारे साथ हूं ना। मैं बताती हूं, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे आदमियों को कैद कर लिया। कुरकुत, कुरकुत, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ये कैसे कर सकते हो? खोलो इन लोगों को। आओ ले लो। मैं तुम्हारा पेट फोड़कर ये चाबी निकाल लूंगी। बेसब्री से इंतजार है तारकुन। मेरे बाबा कहाँ हैं? अगर अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें निकोला की पेशकश कबूल करना होगी। बात सुनो मेरी, कोई कुमान तुर्कों को धमका के उनसे कुछ नहीं करवा सकता। मैंने तुमसे पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं? तारकुन, अपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम वैसी ही हो जैसी निकोला ने बताया। सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त है, उस्मान को मेरे पास ले आओ तारकुन। उसका उठाया गया हर कदम, उसकी ली गई हर सांस, सबकी खबर चाहिए और ये काम तुम करोगी। और अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारे बाबा और आदमियों को छोड़ दूंगा। बल्कि इनाम और इकराम के साथ मुझे इनाम देना अच्छा लगता है। और हां, एक और बात, इन बेचारों ने सुबह से एक निवाला भी खाना नहीं खाया। अगर तुम कबूल करो तो बेचारे कुछ खा लेंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। फैसला तुम्हारा है, बस उस्मान मुझे लाकर दे दो तारकुन।
आप क्या करेंगे मेरे साथ? ये बताओ, तुम निकोला के हुक्म के बारे में क्या सोचती हो? क्या उसके पास लेकर नहीं जाओगे तुम मुझे? सुना है कि उस्मान साहब दूसरी खातून तलाश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करेंगे वो? आप मां नहीं बन सकती ना। उस्मान को भी यह पता चलेगा, मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, इसका कोई इलाज जरूर होगा। इसका कोई इलाज है या नहीं हुंचा, मैं उस्मान का सोचती हूँ। उनका तो ख्वाब है ये, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनके ख्वाब टूट जाए। इलाज के अलावा कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे पास? उस्मान के लिए कुर्बानी दे सकती हूँ मैं। हम अपनी जान के लिए जान दे सकते हैं हुंचा। उसके बाद आपको एक वारिस की जरूरत होगी उस्मान, और आपको वारिस देने वाली खातून की जरूरत भी होगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो बाला? अगर आप तलाश नहीं करते या इसमें हिचकिचाते हैं और मुझे दुख नहीं देना चाहते, तो फिर मैं खुद करूंगी ये काम। उस्मान इस कबीले की उम्मीद है, तमाम तुर्कों की उम्मीद है। अगर जरूरी हुआ तो मैं खुद ही अपने हाथों से उनकी दूसरी शादी करवा दूंगी। खैर होगी इंशाल्लाह। बाला, क्या हुआ तुम्हें? बाला, सब खैर तो है ना? बाला, क्या मुझे भी नहीं बताओगी कि हुआ क्या है? मैंने उस्मान साहब से बात कर ली है कि वो अपने लिए दूसरी खातून तलाश करें। उन्होंने क्या कहा? वो राजी नहीं हुए इस पर। फिर तो ये बहुत खुशी की बात हुई ना, तो उदास होने की वजह? हुंचा, तुम जानती हो कि उन्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, देखना मान जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। बाला, ओ मेरे मासूम बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, तुम्हें इस बात का कुछ एहसास नहीं है। जब तुम शौर की मंजिलों पे पहुंचोगे, फिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बाला, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ मेरी जान? आओ बैठो, आखिर क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ना तो इसका कोई कसूर है, ना मेरा। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। मेरी किस्मत में सब्र करना लिखा है। बाला, मेरी प्यारी बच्ची। अम्मा, माँ कुर्बान जाए मेरी बच्ची। सलजान अम्मा, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा मत करो बाला। Thank you.
जो मैं देख रही हूँ वो तुम भी देख रही हो ना लीना? क्या काई की नई दुल्हन है ये? हो सकता है आप ठीक कह रही हूँ, तो फिर बाला के दिल में आग लग चुकी है और आपके दिल में फूल खिल गए। लेकिन अगर इस खातून से उस्मान का बेटा होता है तो हमारे साथ क्या होगा, इस बारे में भी सोचें। माशाल्लाह मेरी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं सोचती? लेकिन याद रखो, सबसे पहले अपने करीबी दुश्मन को खत्म करो, उसके बाद आने वाले दुश्मन का सोचो। क्या भाईजान, मेरे भाई, गेहातू ने पैगाम भेजा है, वो चाहता है कि तुम निकोला के साथ सुलह करो। नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा? वरना वो अपनी फौज के साथ यहां आएगा और हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। हम तो नहीं चाहते ना कि ऐसा कुछ हो भाईजान। यकीनन हम ऐसा नहीं चाहते, अच्छा तो आपकी क्या राय? यावला करसलान दोनों फरीकैन को अपने खेमे में बुलाएगा, तुम्हें उसकी निगरानी में अमन कायम करना होगा। उस्मान, मेरा ख्याल है हमें इसे कबूल करना चाहिए मेरे भाई। तो इस तरह यावलक तो हमारा सरदार आला हुआ है ना? उस्मान मेरी बात सुनो, हमने सिर्फ मंगोलों से छुटकारा हासिल किया है। सोचो मेरे भाई। फिक्र मत कीजिए भाई, गया तो यहां कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब तुम मान गए, तुम निकोला के साथ सुलह करोगे? अगर वो गया तो ऐसा चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें राजी कर पाऊंगा। खुश रहो मेरे भाई, साउची और चचा जान भी इस बात से बहुत खुश होंगे। वो तो जरूर खुश होंगे। बहुत अरसा हुआ हम दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं हुए भाईजान। काफी वक्त से, बिल्कुल। हमें एक साथ बैठना चाहिए। और सुना है कि खवातीन भी आपस में लड़ती रहती है, हम एक साथ होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो मेरे भाई, मैं इसे संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रात के खाने पर बैठेंगे तो जरूरी मसले पर बात भी कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, हम सब हमतन गोश होंगे। आ जाए। याद रखना, इस गली को हथियार की जगह कहते हैं।
तो फिर दरवाजे बंद रहने चाहिए मेरे भाई। जब तक कले पर कब्जा नहीं हो जाता यही करना है। रुक जाओ। कौन हम? हाँ तुम्हें कह रहा हूं। इन्हें ठिकाने लगाते हैं। सरदार, ज्ञातु ने यावला करसलान को सरदारों का सरदार बना दिया। दुंदार और सावजी साहब भी उसके साथ चल रहे हैं। वो समझते हैं कि काई के मुस्तकबिल का इन्हिसार उस पर है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपनी सियासत के साथ चल रहे हैं। वो कुलू जाहिसार को नहीं छोड़ेंगे सरदार। उस्मान यावला करसलान के इख्तियार को नहीं मानता और कुंदूज साहब का दिमाग दुंदार और साउची साहब के साथ है, लेकिन उनका दिल उस्मान साहब के साथ है। वो अपने भाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस्मान। क्या बात है अब्दुर्रहमान गाजी, क्या अर्तुरुल भाई जाग गए हैं? हाँ सरदार ने मुझसे काई के हालात के बारे में पूछा था, इसलिए मैं इन्हें बता रहा था। शायद ये सुन रहे हो। सुनते हैं ये, यकीनन सुन सकते हैं। इनका दिल भी सुन रहा है और इनके कान भी सुन रहे हैं। भाईजान, हम जानते हैं कि आपको हमारी बहुत ज्यादा फिक्र है। पुरसुकून रहिए, हम एक साथ हैं और कांधे से कांधा मिलाए हुए हैं। बाबा, आज रात हम सब एक खानदान की तरह एक साथ मिलकर बैठेंगे, बिल्कुल उन्हीं खूबसूरत दिनों की तरह जब हम आपकी सरबराही में बैठते थे। दोस्त हमारे तहत पर रश करते हैं और हमारे दुश्मन बेचैन हैं। वो हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की जरूरत भी नहीं कर सकते। आपकी अमानत महफूज हाथों में मेरे सरदार बाबा। बाबा, सोत में लहराया गया परचम सरनिगो नहीं होगा। करा जाए सार, गुरु जाए सार, एनगोल, इजनिक और बुरसा हमारे मुंतजर हैं। आप हमें बंजर जमीनों से जन्नत जैसी सरजमीन पर ले आए और हम तीनों भाई काइयों का यह झंडा, आपका मोजज नाम खुशकी से आगे समुद्रों तक लेकर जाएंगे। ए गाजी के बेटे गाजी, अगर तो आपको मेरी ये आवाज सुनाई दे रही है तो ये जान लीजिए कि आपकी भड़काई हुई आग आज भी भड़क रही है।
बाबा। बेटा, उन्होंने मेरी बात सुनी है, वो सुन रहे थे मुझे। तुम्हारी बात सुनी ना उन्होंने? माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें अजनिक के बारे में बताया मैंने, बुरसा के बारे में बताया मैंने, और उससे कहीं आगे दूर दराज तक, समंदर से भी आगे का बताया मैंने। वंशी साहब, एक आंसू जब उनकी आंख से गिरा तो गोया उनके हाथ से कोई ताकत मेरे हाथ में आ गई हो जैसे। वंशी साहब, उन्होंने महसूस किया है तुम्हें? महसूस किया उन्होंने? माशाल्लाह मेरे बेटे। तो हम तैयार हैं बब्सी साहब। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं। तो क्या कल हासिल करेंगे? जरूर हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो फिर कल हम उनके दरवाजे पर होंगे। हम होंगे बेटा, हम होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने हाथों से दरवाजा तोड़ूंगा, अपने हाथों से। अल्लाह मेरे भतीजे गुंदूस से राजी हो, उसने हमें मुत्तहिद किया। आप मेरे खैमे में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सलामत रहें सब, जीते रहें। शुक्रिया चचा जान, लेकिन बाबा अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए हमारे दिल रंजीदा है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं, आपस में दिल साफ कर लेते हैं, तो इन मुश्किल दिनों से बआसानी गुजर जाएंगे। ठीक कहा ना भाई? आपने सच कहा भाईजान, हमारी आपस में कौन सी लड़ाई है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? ठीक कह रहे हो, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, हमेशा ऐसे ही रहना। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, तुमने कहा था कि तुम कोई अहम बात बताने वाले हो, अगर तुम मुनासिब समझो तो बता सकते हो। दारगुन खातून, मतलब उस्मान ने गिहातू की बात मान ली और अमन पर राजी हो गया। अच्छा है, अच्छा है। फलाती उसको खबर भिजवा दो, कहो कि यावला करसलान के कबीले जाते हुए उस्मान को कत्ल कर दे। जो हुकुम। आपने मुझे बुलाया निकोला? हाँ हेलेन, मैंने बुलाया था। मैं यावला करसलान के कबीले जाऊंगा और तुम इस कले की हिफाजत करोगी। क्या उस्मान दोबारा आ सकता है? वो चरवाहा इतना बेवकूफ नहीं कि गिहातू के साथ लड़ाई का खतरा मोल ले। क्या आपको यकीन है अगर वो इतना बेवकूफ हुआ तो और आपके जाने के बाद दोबारा आ गया तो फिर? हेलेन, तुम्हारा मतलब है कि तुम इस कले की हिफाजत नहीं कर सकती क्या? मैं जानना चाहती हूं कि आप कोई खतरा मोल तो नहीं ले रहे। मान लो कि अगर उस्मान कले में आ गया और कोलोजा हिसार हासिल कर लिया, उसके बाद क्या होगा हेलेन? ये चरवाहा गिहातू के खिलाफ जंगी महाज खोल देगा और उसके नतीजे में क्या होगा जानती हो? गिहातू उसे और काइयों को कीड़े की तरह मसल डालेगा। फिर हमारा जो मकसद है वो हम हासिल कर लेंगे। हेलेन, मुझे किसी भी तरह फतह हासिल करना पसंद है। अच्छा लगता है। तशरीफ रखिए दारून खातून। काफी गौर व फिक्र किया मैंने
एक काई सरदार वारिस के बगैर नहीं रह सकता। तारगुन खातून से निकाह करने का मैंने फैसला किया। और इस तरह से मुझे वारिस मिल जाएगा। उस्मान साहब ने एक बहुत मुनासिब फैसला किया है। और सबसे ज्यादा मैं ही चाहती हूं कि अल्लाह इन्हें औलाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इस शादी से इनका बहुत जल्द बेटा होगा। और किसी के पास बातें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलजान खातून, आप क्या कह रही थी आज सुबह को कि कबीले में कोई खातून दुल्हन बनकर नहीं आ सकती? यही कहा था ना? आयगुल, मेरे दिल में आग लगी है, उसको मजीद भड़काओ मत। तुम ये सही नहीं कर रहे उस्मान। कल मैं जावला करसलान के जिरगे में शरीक होऊंगा, लेकिन उससे पहले हलवत के कुछ लम्हे बाला के साथ गुजारना चाहूंगा। हमें अपनी मोहब्बत पर शक नहीं। जैसे आप चाहें उस्मान, हम वहां जाएंगे। तो फिर एक बार फिर खुशामदीद। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दिखाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। चलें खाना शुरू करें।